हेलो गाइस वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स हम आज इस वीडियो में बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एक्सप्लेन कभी कभी एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट भी पूछ ली जाती है आंसर केस ऑफ बिहार लीगल रिपोर्ट सोसाइटी वर्सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इट वॉज हेल्ड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ टू एड द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोवाइड दैम इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस तो जो बिहार लीगल रिपोर्ट सोसाइटी वर्सेज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का केस था उसमें ये ऑब्जेक्ट बताया गया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कि जो मेन ऑब्जेक्ट है वो वीकर सेक्शन है जो सोसाइटी का उनको लीगल एड वगैरह प्रोवाइड करना उनको इक्वल ऑपरचुनिटी वगैरह जस्टिस की जो होती है वो प्रोवाइड करना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ द यूनिक गिफ्ट ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी तो जो पी आई एल है ये एक यूनिक गिफ्ट माना जाता है ट्वेंटी सेंचुरी का इट मेड लॉ अवेलेबल टू ऑल सेक्शंस ऑफ कम्युनिटी स्पेशली टू वीकर सेक्शंस तो जो पी आई एल है ये काफ़ी मतलब लॉ माना ये मे लॉ माना जाता है लॉ बनाया गया ये जो सारे के सारे सोसाइटी जो हैं वीकर सेक्शन सोसाइटी हैं उनको मिले उनके लिए बने ये स्पेशली टिल नाउ जस्टिस वॉज मेरे या मिराज फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बट जब तक ये लॉ नहीं बना था तब तक जो जस्टिस था वो मतलब जस्ट बोल सकते हैं कि वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी की उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था डिलेइंग था मतलब उनके काम की चीज़ नहीं थी ऐसा भी बोल सकते हैं उनको न्याय ही नहीं मिलता था एक भ्रम ही था उनके लिए जस्टिस वाज सो एक्सपेंसिव डिलेड दैट इट वाज आउट ऑफ द रीच ऑफ कॉमन पीपल तो जो जस्टिस था पीआईएल बनने से पहले ये काफ़ी एक्सपेंसिव था डिलेड था इसी वजह से जो कॉमन पीपल है ये उनकी पहुंच से बाहर था अब हम बात करेंगे फॉर द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी द लीगल सिस्टम हैड फॉलोइंग डीमेरिट्स तो जो लीगल सिस्टम है इसके डिमेरिट्स क्या हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए द लीगल सिस्टम वॉज वेरी एक्सपेंसिव कोर्ट्स आर अप्रोचेबल टू दोज पीपल हु आर वेल टू डू एंड रिच तो जो लीगल सिस्टम है काफ़ी एक्सपेंसिव होता था और जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं उनको वही अप्रोच कर सकते थे जो पर्सन रिच वगैरह हैं पोअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड द एक्सपेंसिस ऑफ कोर्ट फीस फीस ऑफ लॉयर्स एंड अदर एक्सपेंसिस तो जो गरीब पर्सन होते थे वो ना कोर्ट फीस अफोर्ड कर पाते थे ना लॉयर्स की फ़ीस और ना कोई और खर्चे जो भी कोर्ट के होते हैं द लीगल प्रोसीजर इज़ वेरी डिलेइंग तो जो लीगल प्रोसीजर है काफ़ी डिलेइंग प्रोसीजर है एक तरीके का सफर सफरर्स डू नोट गेट जस्टिस फोर ईयर्स सो द पीपल हैपन्स टू सी दैट डिले डिफीट द जस्टिस तो जो सफ़र कर रहे थे होते हैं जो प्रॉब्लम से उनको जस्टिस नहीं मिलता काफ़ी काफ़ी सालों तक तो पर, मतलब पीपल्स ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि हाँ जो डिले है उसने जस्टिस को डिफीट कर दिया द प्लेंटिव डाइज बट केस सर्वाइव द जो प्लेंटिव है जो केस करने वाला है वो चाहे मर जाता था बट केस तब भी जिंदा रहता था अभी भी जैसे देख सकते हैं कि हाँ तीसरी तीसरी पीढ़ी जब आ जाती है तब जाकर केसेस के डिसज मिलते हैं द सफरज आर जनरली पुअर पीपल बिकॉज बाय हुक एंड क्रूक वेल टू डू पर्सन गेट सक्सेस टू गेट जस्टिस तो जिसमें ये बताया गया जो सफ़रर्ज हैं वो हमेशा मतलब गरीब पर्सन ही मन होते हैं ज़्यादातर नाइन्टी परसेंट तो यहाँ पे ये बताया गया जो अमीर पर्सनज होते हैं वही जस्टिस पाने में सक्सेसफुल होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर जस्टिस वगैरह मिल पाता है एंड पुअर पर्सन लेफ्ट बिहाइंड विद एम्पटी हैंड्स और जो गरीब पर्सनस होते हैं वो अपने खाली हाथों के साथ ही मतलब रह जाते हैं एट द एंड उनको जस्टिस नहीं मिल पाता द अदर ड्रॉबैक फॉर द वीकर सेक्शन टू गेट जस्टिस वॉज दैट द केस वॉज टू बी फाइल्ड बाई ओनली द इंजर्ड पार्टी तो जो अदर इसका ड्राबैक है थर्ड डीमेरिट्स का है वो ये है कि जो इंजर्ड पार्टी है सिर्फ वही मतलब केस वगैरह फाइल कर सकती है सूट फाइल कर सकती है जस्टिस लेने के लिए इफ़ सच पर्सन इज़ पुअर देन ही हैड टू लिव विद इनजस्टिस तो अगर तो वो गरीब पर्सन है तो उसको इनजस्टिस के हिसाब से जीना पड़ेगा मतलब उसको जस्टिस नहीं दिया जाएगा यही मान सकते हैं द अदर पर्सन कैन नॉट फाइल इट ऑन हिज बिहाफ ऑफ हिम तो कोई भी अदर पर्सन उसके बिहाफ़ पे उस गरीब पर्सन के बिहाफ पे कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं कर सकता ये भी एक डीमेरिट था लीगल सिस्टम का वीकर सेक्शन और सोसाइटीज के लिए द कंसेप्ट ऑफ लोकल स्टैंडी वॉज वेरी लिमिटेड तो जो लोकल स्टैंडी का कंसेप्ट था वो काफ़ी लिमिटेड है लेट रहां द एफर्स वर मेड बाई लॉ एक्सपर्ट्स टू मेक जुडिशियरी सिस्टम सो इजी एंड चीप पर दैट वीकर सेक्शन में ऑल्सो गेट जस्टिस तो कुछ समय बाद क्या हुआ जो लॉ के एक्सपर्ट्स वगैरह थे उन्होंने क्या किया जुडिशरी सिस्टम जो है उसको काफ़ी ईजी कर दिया उसमें एफर्ट्स वगैरह करके और जो 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 वीकर सेक्शन हैं सोसाइटी के उनके लिए काफ़ी मतलब चीपर रेट्स वगैरह आ गए पी आई एल की वजह से और उनको जस्टिस वगैरह मिलना प्रोवाइड हो गया उनको भी फ्री लीगल एट की वजह से द पब्लिक इंटरेस्ट एडिगेशन इज़ वन ऑफ दैम तो जो पी आई एल है एक उनमें से एक एफर्ट है एक्सपर्ट्स का लॉ एक्सपर्ट्स का ऑब्जेक्ट्स एज इट इज़ सेड अर्लियर दैट द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पी आई एल इज टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जैसे हमने ऊपर बात करी है कि जो पी आई एल का मेन ऑब्जेक्ट है कि जो वीकर सेक्शंस है सोसाइटी की उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर उनको जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करवाना पब्लिक इंटरेस्टिगेशन इंक्लूड्स द केसेस विच आर रिलेटेड टू पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वही केसेस आते हैं वही केसेस इंक्लूड होती हैं जो पब्लिक मैटर से हो रिलेटेड ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट से दीज केसेस कैन भी फाइल्ड बाई एनी अदर पर्सन और यूनियन इन कोर्ट तो जो ये केसेज हैं पी आई एल के पब्लिक मैटर से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड या कोई भी अदर पर्सन कोई भी यूनियन वगैरह कोर्ट में फाइल कर सकते हैं इन केसेज को इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द विक्टम हिमसेल्फ मस्ट गो टू कोर्ट तो यहाँ पे जो लोकस डंडी का मतलब कंसेप्ट वगैरह आया था उससे ये हुआ कि जो इससे ये ज़रूरी नहीं थी नहीं था कि जो विक्टम पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है वो खुद ही कोर्ट में जाए केस वगैरह फाइल करने के लिए इंसाफ लेने के लिए इट रिजल्टेड दैट इफ विक्ट इज़ पुअर और ऑफ डिप्रेस्ड क्लास देन ही कैन नॉट बी डिप्राइव ऑफ जस्टिस तो इसका रिजल्ट ये निकला एफर्ट्स वगैरह जो लॉ एक्सपर्ट्स ने करे थे लोकस स्टैंडी में तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो विक्टिम पार्टी थी अगर तो वो पुअर रहे हैं डिप्रेस्ड क्लास के लोअर क्लास के हैं जो फीस वगैरह नहीं अफोर्ड वगैरह कर सकते तो भी मतलब जो उनको लीगल फ्री लीगल रेट वगैरह की पी आई एल वगैरह की उनको फैसिलिटीज वगैरह दी गई हैं लॉ एक्सपर्ट्स की तरफ से उसकी वजह से उनसे उनको भी मतलब जस्टिस प्रोवाइड किया जाने लगा जस्टिस कृष्णा अय्यर सेड दैट द नैरो कंसेप्शन दैट द विक्टिम पर्सन हिमसेल्फ मस्ट गो टू कोर्ट इज फिनिश्ड तो जस्टिस कृष्णा अय्यर जो हैं इन्होंने ये बताया कि जो विक्टिम पर्सन है उसी को पहले कोर्ट में जाना पड़ता था ये कंसेप्ट फिनिश कर दिया गया है नाउ द ग्रुप एक्शन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव लिटिगेशन हैव कम इन प्लेस ऑफ दैट तो अब कोई भी अदर पर्सन कोई भी ग्रुप कोई भी यूनियन या कोई भी हम बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन केस वगैरह सूट वगैरह फाइल कर सकती है किसी के किसी के राइट्स वगैरह को बचाने के लिए नाव एनी पर्सन हु इज रिलेटेड विद एनी पब्लिक इंटरेस्ट में अप्रोच टू कोर्ट फॉर द सेफ गार्ड ऑफ सच इंटरेस्ट तो कोई भी पर्सन जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है अपने इंटरेस्ट वगैरह को सेफ गार्ड करने के लिए बचाने के लिए जस्टिस पी एन भगवती वाइल एक्सप्रेसिंग सच व्यूज हैज़ हेल्ड दैट नाउ द जस्टिस इज नॉट ओनली फॉर अ प्रोस्पीरियस पर्सन बट ओपन फॉर अ कॉमन पीपल तो जो जस्टिस पी एन भगवती थे उनके ये विचार थे कि जो जस्टिस है ये सिर्फ रिच पर्सन के लिए ही नहीं है बल्कि ये कॉमन पीपल्स के लिए भी है कॉमन पर्सन कॉमन जो मतलब अफोर्ड वगैरह नहीं कर सकते उनके लिए भी है जस्टिस द फॉलोइंग आर द केसेस इन विच अपॉर्चुनिटीज वर प्रोवाइडेड टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तो ये नीचे केसेस वगैरह बताए गए हैं कि कौन कौन से केसेस में वीकर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के उनको अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड की गई हैं सबसे पहला केस तो इसमें ही है राइट टू यूज़ अनपोल्यूटेड वाटर इन केस ऑफ जम्मू कंज्यूमर काउंसिलेट इट वॉज़ हेल्ड दैट रेट फॉर द राइट ऑफ यूज़ एन यूज़ ऑफ अन पोल्यूटेड वाटर इज़ पब्लिक इंटरेस्ट इटिगेशन तो जो जम्मू कंज्यूमर काउंसिल स्टेट का केस है इस केस में ये बताया गया कि हाँ रेट वगैरह फाइल की गई है इसके लिए कि मतलब जो वहाँ पर पानी वगैरह होता था उसमें पॉल्यूशन वगैरह की काफ़ी प्रॉब्लम होती थी पॉल्यूटेड वाटर वगैरह होता था उसके लिए रेट वगैरह फाइल की गई है कि हाँ हमारा राइट है अनपोल्यूटेड वाटर यूज़ करना तो इसके लिए पी एल वगैरह फाइल की गई तो इसके लिए वीकर सेक्शन जिसने भी ये फाइल वगैरह करी थी उनको प्रोवाइड की गई रेमिडीज वगैरह कोर्ट की तरफ से पी के माध्यम से सेकेंड केसेस में हमारा ये है सेक्सुअल इमोरलिटी इमोरलिटी विद ब्लाइंड गर्ल्स इन केस ऑफ प्रतुल कुमार सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया तो जो प्रतुल कुमार सिन्हा वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया था इसमें यह खबर आई थी द न्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पॉपुलेशन विद ब्लाइंड गर्ल्स वॉज कंसिडर्ड एज रेट तो जो न्यूज़ वगैरह थी सेक्सुअल कॉपुलेशन ब्लाइंड गर्ल्स के साथ करने की उसको कंसिडर किया गया रिट एज अ रिट एंड ऑर्डर फॉर इंक्वायरी एंड प्रॉपर अरेंजमेंट और जुडिशरी ने क्या किया ऑर्डर किया इंक्वायरी वगैरह करने के लिए और प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए इंक्वायरी वगैरह बिठाई इस पर ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके इन ह्यूमन ट्रीटमेंट विद वर्कर्स इन केस ऑफ बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट वॉज इन्फॉर्मड थ्रू अ लेटर दैट बाउंडेड लेबर वॉज इन एक्जिस्टेंस इन स्टोन क्वाइरीज इन फरीदाबाद तो इस केस में क्या हो सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर के माध्यम से ये इन्फॉर्म किया गया कि जो बॉन्डेड लेबर है वो अभी भी एक्जिस्टेंस में हैं अभी भी कुछ लोग बॉन्डेड लेबर की तरह जी रही हैं स्टोन क्वारीज हैं जो वहाँ पे मतलब पत्थर की खादान वगैरह बोल देते हैं या माइनिंग वगैरह का सेक्टर बोल देते हैं फरीदाबाद के अंदर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आइडेंटिटी आइडेंटिफाई रिलीज एंड रिहेबिलेट रीहेबिलेटेट द बॉन्डेड लेबरर्स एंड ऑल्सो डायरेक्टेड दैट इज दुड ऑल्सो इम्प्लीमेंट द लेबर वेलफेयर रिलेटेड रूल्स तो जो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको रिलीज किया जाए और जो बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनको मतलब उनको भी जीने का राइट है तो और स्टेट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट की ये बात कि हाँ लेबर वेलफेयर के लिए रिलेटेड रूल्स वगैरह इम्प्लीमेंट किए जाएँ फोर्थ केस है टॉर्चर बाय पुलिस इन केस ऑफ राजस्थान फार्मर्स यूनियन वर्सिज स्टेट ऑफ राजस्थान लेटर वॉज ए वूमेन टू हाई कोर्ट अबाउट पुलिस टॉर्चर तो एक लेटर लिखी गई इस केस में वूमेन के द्वारा हाई कोर्ट को पुलिस टॉर्चर के लिए द कोर्ट कंसिडर्ड इट एज रिटर्न ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन तो जो कोर्ट है कोर्ट ने उस वूमेन की जो लेटर उसने दी थी पुलिस टॉर्चर के बारे में कोर्ट ने उस लेटर को एज अ रेट कंसिडर किया और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर दिए फिफ्थ केसिस में हमारा ये है इनह्यूमन ट्रीटमेंट विद प्रिजनर्स इन केस ऑफ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इट वाज कम्प्लेन टू द कोर्ट अबाउट द इी ह्यूमन ट्रीटमेंट इन प्रिजन विद प्रिजनर्स तो जब इस केस में क्या हुआ जब कंप्लेंट वगैरह की गई कोर्ट को कि हाँ प्रिजन प्रिजन में जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ इनी ह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है जानवरों की तरह उनको रखा जाता है वहाँ पर द कोर्ट्स डायरेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ प्रीजन दट इन ह्यूमन ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डन विद प्रिजनर्स तो जो कोर्ट है उन्होंने डायरेक्ट किया अथॉरिटीज़ को जो प्रीजन की अथॉरिटीज़ वगैरह हैं कि जो इन ह्यूमन ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है प्रिजनर्स के साथ वो ना किया जाए हम ला इसमें लास्ट केस की के बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम इन केस ऑफ क्रिश्न लाल गेरा वर्सिज क्रश्न लाल गेरा वर्सिज स्टेट ऑफ हरियाणा इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द डाइवर्जन ऑफ गवर्नमेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन स्पोर्ट्स पर्पज एंड एंटरटेनमेंट एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इज अ केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इन सच केसेज पी आई एल इज मेंटेनेबल तो इस केस में क्या हुआ जो गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम था उसका जो यूज़ था वो स्पोर्ट्स के लिए ही किया जाना चाहिए था बट वो स्पोर्ट्स पर्पज के लिए नहीं यूज किया जा रहा था बल्कि वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए यूज़ किया जा रहा था तो इसके लिए कोर्ट वगैरह ने ऑर्डर की सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को कि हाँ इसको सिर्फ स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है गवर्नमेंट का इसको स्पोर्ट्स के लिए ही यूज किया जाए सिर्फ सच अदर केसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर आर देयर इन विच इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय द कोर्ट्स तो ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट के रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर है जिनमें तो उसमें मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है जस्टिस के लिए वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के उनको भी कटिंग्स ऑफ़ न्यूज़ पेपर्स एंड लेटर्स एज वी हैव सीन अब द कंसिडरिंग लेटर्स एंड कटिंग्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स एज रिट हैज एक्सपेंडेड एरिया ऑफ पी आई एल तो अगर हम बात करें जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो कटिंग्स हैं लेटर्स वगैरह की या न्यूज़ पेपर्स वगैरह की उनकी वजह से जो पी आई एल का एरिया जो है उनको मतलब एज अ रिट माना गया उनकी कटिंग्स को और जो पी आई एल के एरिया है वो काफ़ी एक्सपेंड कर दिया गया है इट इज़ एन एबल स्टेप टू प्रोवाइड जस्टिस टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड जस्टिस हेज़ बिकम क्यू एंड चीपर एंड ईजिली अवेलेबल तो एक ऐसा स्टेप है जिससे वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के उनको ईजिली जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जा सकता है और जल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है और कम से कम रेट पर और ईजिली उनको अवेलेबल हो सकता है दिस सिस्टम ऑल्सो इंडिकेट्स टू वर्ड्स ऑब्जेक्ट दट मेन एम ऑफ द पी आई एल इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस वीकर टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो जो ये सिस्टम है इस सिस्टम में ये इंडिकेट किया जाता है मेनली मेन main जो ऑब्जेक्ट है मेन एम क्या है कि जो पी आई एल है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी था कि जस्टिस की मिले वीकर सेक्शन जो हैं सोसाइटी के उनको यही मेन एम है पी आई एल का द ऑब्जेक्ट्स ऑफ पी आई एल कैन बी कंक्लूडेड एज तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं पी आई एल के कंक्लूड किए जाते हैं ये बताए जा रहे हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसेप्ट ऑफ पी आई एल एज़ टू प्रोवाइड टू इक्वल ऑपरचुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो पी आई एल का कंसेप्ट है उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है कि जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है वीकर सेक्शन सोसाइटी की उनको इट हेल्प्स वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन गेटिंग जस्टिस तो जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनकी हेल्प करना जस्टिस पाने के लिए इट मटेरियलाइज द कंसेप्शन ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द पीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पीअम्बल के अंदर जो बताया गया कंसेप्शन के बारे में सोशल इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल जस्टिस के बारे में वो पी ए एल के जरिए मिलता है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन टू लिव ह्यूमनली लाइफ विद डिग्निटी तो ये अपर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हर पर्सन को रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए इट नर्चर्स ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट्स दैम और ये ह्यूमन राइट्स को मतलब पालन पोषण करता है और उनकी रक्षा करता है इट कम्युनिकेट्स द स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी एंड एवरी इन एवरी पर्सन रिमेनिंग यूनिटी ऑफ नेशन एंड इंटीग्रिटी इन एक्ट तो जो भी राष्ट्र वगैरह में रहते हैं इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल जो भी लोग रहते हैं उनकी अखंडता बनाकर रखता है मतलब उनको एक साथ रखता है और उनकी रक्षा वगैरह करता है इट अर्फ इट अफार्म द कंसेप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस तो मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का इसमें मतलब ये है कि जो कंसेप्ट माना जाता है कि हाँ वीकर सेक्शंस को भी जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा हर तरह के सेक्शंस को जस्टिस वगैरह प्रोवाइड मिलेगा चाहे वो फॉर एग्जांपल अरेस्टेड पर्सन है चाहे वो हम बोल देते हैं कि मतलब लॉ के लिए सब एक है लॉ हर किसी को एक नज़र से ही देखता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है पी के जरिए Okay guys, thank you.